हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 9 के बारे में, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो देखो क्या होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे रखा है, द जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स है ना जो कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। नाउ देखो ध्यान से, इसका जो रेंज होता है, आगे क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस इज एज लार्ज एज 10^1 to 10^12 फॉर एनी कार्बन कंपाउंड। Therefore, the number of constituent atom is very big for macromolecules. यानी किसी भी macromolecules का है ना जो number of constituent atom है बहुत ही large होता है, बहुत ही big होता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी carbon compound का range कहाँ से कहाँ तक होता है, 10^1 से लेकर 10^12 तक range होता है, right? अच्छा, तो आगे आपको दे रखा, सो टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है आपका नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है आपका मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल। नाउ क्या होता है नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि नेचुरली ऑकर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। एंड देन व्हाट इज मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल, ऐसा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि आपका है ना कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस इन द लेबॉरेटरी या फिर कोई फैक्ट्री में, राइट, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, आपका मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। आर यू गेटिंग दिस, वेरी गुड। नो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, देखो नेचुरल का क्या एग्जांपल दे रखा है, दैट इज प्रोटीन, डीएनए, ठीक है, ये आरएनए, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं आपके, नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल के। वाइल अगर हम मैनमेड की बात करें तो मैनमेड का क्या एग्जांपल दे रखा है, प्लास्टिक, फाइबर, इलास्टोमर्स, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके, मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, राइट। अच्छा, सो ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है दैट इज पॉलीमर्स। नाउ देखो क्या होता है पॉलीमर्स, अ मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म बाय रेगुलर रेपिटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। यानी आपका है ना ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल यूनिट से है ना बार बार रिपीट कर करके बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीमर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे जो स्मॉल यूनिट आप रिपीट कर रहे हो बार बार, राइट, उसको हम मोनोमर बोलते हैं, है ना। वाइल यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दे रखा है, आप देख सकते हो द रिएक्शन बाय विच आपका जो मोनोमर मॉलिक्यूल है ना वो किसमें कन्वर्ट होता है, पॉलीमर्स में, राइट, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आपको किसका दे रखा है, दैट इज इथिलीन का, राइट, यहाँ पे आपको इथिलीन का मॉलिक्यूल दे रखा है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका क्या है, मोनोमर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और आपने इथिलीन ले लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करते जा रहे हो, ये सारे यूनिट को आप है ना बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा है ना, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज नथिंग बट पॉलीइथिलीन, राइट, यहाँ पे है ना आप सिंगल बॉन्ड देख सकते हो। अच्छा, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, राइट। अच्छा, नो आगे आपको दे रखा है दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। नो यहाँ पे दो टाइप के पॉलीमर्स आपको दे रखे हैं, एक होता है होमो पॉलीमर और एक होता है आपका को पॉलीमर। नो देखो होमो पॉलीमर की स्पेशलिटी क्या होती है, कि यहाँ ये आपका ऐसा पॉलीमर होता है ना जो कि कैसे बनता है, बाय द रेपिटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर। यानी आपके पास एक मोनोमर है, आप उसी को बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो इन दैट केस जो पॉलीमर बनता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो पॉलीमर। यहाँ एग्जांपल क्या दे रखा है आपका, पॉली इथिलीन, राइट, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ था यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, बार बार हम लोग है ना इथिलीन को ही क्या कर रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, राइट, तो यानी यहाँ पे मोनोमर आपका सेम है, तो ये आपका कैसा पॉलीमर हो गया, होमो पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है को पॉलीमर। ना देखो को पॉलीमर की स्पेशलिटी क्या होती है, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं दैट इज फॉर्म बाय द रेपिटेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स। यानी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स यूज़ किए जाते हैं, है ना, बार बार उनको रिपीट किया जाता है ना, और इस केस में जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलोगे आप, को पॉलीमर। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है दैट इज रबर, राइट। अच्छा, ना देखो, सो ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है, एक टेबल दे रखा है जहाँ पे वेरियस है ना पॉलीमर्स के आपको नाम दे रखे हैं, उनके यूजेस भी दे रखे हैं, आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला पॉलीमर आपको दे रखा है दैट इज पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का जो मोनोमर होता है हमें पता है क्या होता है, इथिलीन होता है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीइथिलीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन कैरी बैग, स्पोर्ट्स वेयर, है ना, ये सारी जगह इसको अच्छा खासा यूज़ किया जाता है।
सेकेंड पॉलीमर आपको दे रखा है, दैट इज पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन में जो मोनोमर होता है आपका क्या होता है, स्टायरीन होता है। फॉर्मूला आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मोकॉल आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, राइट। अच्छा, थर्ड आपको दे रखा है, दैट इज़ PVC, दैट इज़ पॉली विनाइल क्लोराइड, राइट। इसका जो आपका मोनोमर है वो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। फॉर्मूला क्या है, Cl है ना, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला दे रखा है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, PVC के स्ट्रक्चर की आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आता है। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, दैट इज़ PVC पाइप्स में यूज़ किया जाता है, डोर मैट्स में हो गया, राइट, या फिर हॉस्पिटल किट्स में जो बैग्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा यूज़ किया जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज़ पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, जो भी दिया है आप देख सकते हो। इसका मोनोमर क्या है आपका, एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, सिंगल बॉन्ड CN, राइट। तो ये आपका इस तरीके से बनता है ना। इसका जो हम लोग वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या दे रखा है ना, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ आप देख सकते हो दे रखा है, राइट। बहुत बढ़िया, यहाँ पे यूजेस कहाँ है इसका, विंटर क्लोथिंग्स में यूज़ किया जाता है, ब्लैंकेट्स बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है, दैट इज टेफ्लॉन। ना देखो, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन है ना, ये इस तरीके से इसका मोनोमर होता है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अगर टेफ्लॉन को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, राइट। अच्छा, इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, नॉन स्टिक कुकवेयर में, राइट, क्योंकि आपका नॉन स्टिक ही क्या ना, किचन वेयर होते हैं, राइट, वहाँ पे टेफ्लॉन का अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोपिलीन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, यानी आपका पॉलीप्रोपिलीन को रिप्रेजेंट करने की बात करें, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दे रखा है, दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड है ना CH2, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो, जो भी फॉर्मूला दिया आप यहाँ देख सकते हो। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, आपका इंजेक्शन साइरिंग्स में, फर्नीचर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑल राइट, आगे आपको एक और टेबल दे रखा है जिसमें आपको कुछ सम नेचुरल पॉलीमर्स एंड द ऑकरेंस के बारे में दे रखा है, राइट। यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर्स क्या दे रखा है आपका, पॉलीसेकेराइड्स, राइट। पॉलीसेकेराइड्स का जो आपका मोनोमर है क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये कहाँ ऑकर होता है, यूजुअली आपका स्टार्च में ऑकरेंस पाया जाता है, राइट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आपको दे रखा है सेलुलोज। सेलुलोज जो पॉलीमर है ना, उसका मोनोमर क्या होता है, वंस अगेन ग्लूकोज होता है। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, वुड्स में, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है, वुड्स का मतलब है हमारा कि जो आपका सेल वॉल होता है किसी भी प्लांट सेल का, राइट, है ना, उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रोटीन्स। ना देखो, प्रोटीन्स का जो मोनोमर है हम सबको पता है क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के है ना मोनोमर्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये कहाँ ऑकर होता है, बेसिकली आपका मसल्स में, हेयर में, राइट, स्किन में, एग्स, और क्या दे रखा है, एंजाइम्स में, राइट। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉलीमर आपको दे रखा है, दैट इज़ DNA। ना देखो, DNA का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स। इसको कहाँ ऑकर होता है, ये आपका क्रोमोसोम्स में, राइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपको दे रखा है RNA। ना देखो, RNA का भी जो मोनोमर है क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये कहाँ ऑकर होता है, आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, राइट। बहुत बढ़िया, आगे आपको दे रखा है रबड़। ना देखो, रबड़ का जो मोनोमर है क्या होता है, आइसोपायरीन होता है। फॉर्मूला आप देख सकते हो, क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड C है ना, सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जो भी फॉर्मूला है आप यहाँ देख सकते हो। ये कहाँ ऑकर होता है, आपका लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस तरीके से पूरा आपका पॉलीमर का टेबल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।